हेलो एवरीवान वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी सो फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर फिफ्टीन दैट इज बायो डायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो so, बच्चों हमने ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाली जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं या फिर कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी इसके मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बताए थे ये भी बताया था कि जब एनिमल्स की बात करते हैं तो मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं राइट right? और अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में नाव वी विल टॉक अ अबाउट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट सो so यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इसका क्या मतलब होता है भाई देखो जब नॉर्मली हम इक्वेटर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो सन है बहुत ज़्यादा नज़दीक है द सन इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पर सन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा लेकिन जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो जब भी हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर तो सर्दी होगी वहाँ पर टेम्परेचर कम है ठीक है तो लेटिट्यूडल ग्रेडियंट में लिखा हुआ है कि जो डायवर्सिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो चेंज होती रहती है वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अनईवन होती है ठीक है फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी प्लांट्स की बात कर लीजिए या एनिमल्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा आपको डाइवर्सिटी का जब जनरली हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेराइटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है कुछ एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पर दी हुई हैं विथ अ वेरी फ्यू एक्सेप्शन कौन सी है ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडल रेंज में 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हालांकि पोलर रीजन के क्लोज की हम बात कर रहे हैं और अभी मैंने बताया था कि पोलर रीजन में डाइवर्सिटी कम होती है है ना लेकिन हम यहाँ पर एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है ये पोलर एरियाज हैं लेकिन फिर भी इन पोलर एरियाज में कुछ स्पीशीज कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ज्यादा नंबर में भी हो सकती है ठीक है आगे देखिए कोलंबिया जो कि इक्वेटर के नजदीक है वहां पर 1400 स्पीशीज मिलेंगी आपको बर्ड्स की कितनी स्पीशीज हैं बर्ड्स की 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स राइट जबकि न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ में 105 स्पीशीज हैं और जब हम और भी ज्यादा नज़दीक जाएंगे पोलर रीजन के तो वहां पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं वो और भी कम हो जाती हैं सो हेयर यू कैन सी ओनली फिफ्टी सिक्स स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन ग्रीन लैंड राइट बोला जाता है कि इंडिया में काफ़ी ज्यादा एरिया है जो ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स है वहां पर लगभग ट्वेल्व हंड्रेड स्पीशीज से भी ज़्यादा मोर देन टवेल्व हंड्रेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स लैटिट्यूड्स में मिलते हैं फिर एक अंडरलाइन की हुई लाइन आप देख सकते हो अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज अप टू टेन टाइम्स एज मैनी स्पीशीज ऑफ वस्क्यूलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें मिड वेस्ट ऑफ यूएसए इसका मतलब ये है मान लीजिए सेम जोग्राफिकल एरिया के दो फॉरेस्ट ठीक है जितना एरिया पहले फॉरेस्ट का है उतना ही दूसरे फॉरेस्ट का लेकिन एक फॉरेस्ट इक्वेटर के नजदीक है पर सन की ज़्यादा ज़्यादा है होगा लेकिन जो दूसरा फॉरेस्ट है वो टेम्परेट रीजन यानी कि जहां सर्दी होती है वहां पर प्रेजेंट होगा है ना तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि इक्वेटर के पास वाला जो फॉरेस्ट है वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज लगभग दस गुना ज्यादा हो सकती हैं इट बी अप टू टेन टाइम्स एज मैनी स्पीशीज एज फाउंड इन टेम्परेट रीजन क्लियर हो गया आगे देखिए जो ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है विच इज इन साउथ अमेरिका वहां पर बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा ग्रेट डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी पूरे अर्थ की कितनी स्पीशीज हो सकती हैं प्लांट्स की कितनी हो सकती हैं एनिमल्स की जस्ट देखिए यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स लगभग चालीस हजार से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज आपको एमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलेगी राइट थ्री थाउजेंड ऑफ फिशेज थर्टीन हंड्रेड ऑफ बर्ड्स फोर ट्वेंटी सेवन ऑफ मैमल्स फोर ट्वेंटी एंड ऑफ मोर देन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन इसका मतलब ये हुआ कि जो एमेज़ोन रेन फॉरेस्ट है हमारे अर्थ में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बायोडाइवर्सिटी को वो हार्बर करता है तो यहाँ पर हमने कुछ आइडिया लिया है लगभग चालीस हजार से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ तीन हज़ार के आसपास फिशेस की फोर ट्वेंटी सेवन मैमल्स फोर ट्वेंटी सेवन बर्ड्स सॉरी एम्फीबियंस तो ये सब क्या है ये उनकी स्पीशीज़ के नंबर है ठीक है आपको एग्जैक्टली exactly अगर स्पीशीज़ के नंबर याद नहीं होते हैं तो आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है राइट right? तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टीमेट क्या लगाया था कि जो ये अमेजोन रेन है वहाँ दे माइट बी एट लीस्ट टू मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम अभी भी काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है राइट right? साइंटिस्ट का ये मानना है कि आगे चलकर लगभग दो मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट की डिस्कवर की जा सकती है आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इकोलॉजिस्ट होते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी ठीक है और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है देन टेम्परेट रीजन तो ऐसा क्यों होता है क्या क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे ये बोर्ड्स में पूछा जाता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए तो जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन ये है वट इज द रीजन ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज़ एरिया टेम्परेट रीजन तो आप क्या बताएंगे सबसे पहला रीजन आप देंगे स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेसिएशन का मतलब क्या है दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज राइट और कभी भी स्पीशीज की फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मिनट में कोई स्पीशीज बन जाए नो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन में समय लगता है ठीक है और टेम्परेट रीजन की तरह नहीं है जो ट्रॉपिकल एरिया है क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया है दे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो इसका मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से अनडिस्टर्ब रहे हैं या फिर अनडिस्टर्ब रहते हैं तो ये रीज़न होता है ये कारण होता है कि यहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है क्योंकि तो उनको स्पीशीज़ की फॉर्मेशन के लिए जो समय चाहिए है ना वो मिल जाता है राइट आगे बढ़ेंगे अब हम एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में इसके दूसरे रीजन के बारे में देखिए सेकेंड रीजन हमसे पूछा गया है इवोल्यूशनरी ये तो हमने देख लिया कि भाई जो स्पीसीशन है स्पीशीज की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए समय चाहिए ठीक है और जब स्पीसिएशन होगी तो इवोल्यूशन भी होगा इवोल्यूशन क्या है भाई इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस तभी तो न्यू स्पीशीज बनेगी तभी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा राइट आगे बढ़ते हैं सेकेंड रीजन क्या है ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी होने का तो सेकंड रीजन ये है कि वहां पर जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर वो लेस सीजनल होता है ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं और अगर कोई चेंज आएंगे भी तो वो प्रोडक्टिवल होते हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है तो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल तो यही कारण है जिस वजह से न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन भी आसानी से हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं आती ठीक है और यही कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट करता है निशे स्पेशलाइजेशन के लिए मतलब अलग अलग स्पीशीज को अपना एक खुद का जो लेवल है ट्रॉपिक लेवल या हैबिटेट उसको सेटल करने के लिए ठीक है एंड दर्ड रीजन इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं भैया इक्वेटर पे सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू सन राइट और क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है यही रीजन है कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी अब प्रोडक्टिविटी क्या था भैया प्लांट्स का सनलाइट को कंज्यूम करके फूड की फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है यानी कि फोटो सिंथिस ठीक है वो यहाँ पर ज्यादा होता है एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी एंड इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी इसको डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम है ना अगर पर यूनिट टाइम नहीं भी लगाते हो तो रेट लगाना बहुत जरूरी है तो हमने थ्री रीजन यहाँ पर पड़े हैं जिस वजह से हमने देखा था कि भाई जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है टेम्परेट रीजन से